मेरी अम्मी ने भी एक दफा मुझे कहा था कि इंडिया क्यों जा रहे कहीं हो कहीं और चले जाओ तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना और बाकी बहुत से दोस्त वैसे और अक्सर दोस्तों का मशवरा ये था कि जाके ना तुम लगते इंडियन ही हो मतलब तो जाके बताना ना पाकिस्तानी हो तो अपना घूम के वापस अच्छा। आ जाना जब मैंने उसमें फॉर्म फिल किया उसमें उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान से कोई तलक मतलब स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन है इंडिया के फॉर्म में वीजा फॉर्म में तो मैंने कहा बिल्कुल ऑफ कोर्स मैं वहीं पैदा हुआ तो उसके बाद उन्होंने फिर एट देंड मुझे कहा कि नहीं भाई ऑनलाइन तुम तो कर ही नहीं सकते तुम मैसेज मैंने इनका मेट्रो सिस्टम देखा दिल्ली का इट्स वेरी एडवांस मतलब यूके और यूके का अंडरग्राउंड लंदन का और दिल्ली का इसमें मुझे कोई फर्क नहीं मिला उसी तरह की सर्विस सारा कुछ उसके अलावा छोटी छोटी चीजें जो नोटिस की अपने ट्रैवल के दौरान डिजिटल आईडीज़ इनके वो मतलब आपको आप मुझे कोई कार्ड रखने की जरूरत ही नहीं है इवन के क्रेडिट कार्ड या अपना डेबिट कार्ड भी नहीं लोग रखते क्योंकि इनके पास कुछ ऐप्स ऐसी हैं पे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यू पी भी होगा लेकिन पेटीएम से क्योंकि मेरा अपना वास्ता पड़ा रहा वो जो रेडी पे गोलगप्पे भी बेच रहा हैं ना उसने भी एक अपना लगाया हुआ है बार कोड वहां स्कैन करो और पेमेंट करो मैं तो जहाँ भी गया हूँ ओपनली मैंने सबको बताया जिससे मेरी बात हुई है कि भाई हम फ्रॉम पाकिस्तान और लोगों से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो जिस बंदे को भी बताया तो मेरे ख्याल से नेगेटिव तो एक भी नहीं कहूँगा पॉजिटिव ही थे सारे लोग बल्कि स्पेसिफिकली सेल्फीज़ ले रहे थे कि यार हम पहली दफा किसी पाकिस्तानी से मिले हैं तो मेमोरी के लिए चलो एक तस्वीर बना लेते तो मोस्टली एक कॉन्सेप्ट बना हुआ ना कि यार नहीं इंडियंस आर अवर एनमीज मेरा तो एक पर्सन भी नहीं था तो थोड़ा सा ये था कि शायद अगर किसी को वहाँ में जाकर कर बताऊँ कि यार अच्छा मैं पाकिस्तानी हूँ तो उनका रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा डाउट था कि शायद लोग नापसंद करें शायद मतलब ये तो वरल नहीं था कि बदतमीजी करेंगे लेकिन वो शायद मेरे से सा करेंगे यार, नमस्ते काल, मैं सना, मुझे देखो, और बड़े इंटरेस्टिंग और नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज हमें ज्वाइन किया है एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने जिनका नाम है सनी जो कि रिसेंटली इंडिया का विजिट करके आए इनकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है बहुत ज्यादा पसंद की गई है इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनका इंडिया का विजिट कैसा रहा वैसे बहुत सारे पाकिस्तान इंडिया का विजिट कर रहा लेकिन ये सनी, कैसे हैं आप? जी, much, Sana, कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया अच्छा सनी सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपके बारे में मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं वो लोग जो आपको नहीं जानते

Um, ये भी मेरे ख्याल से इट्स काइंड ऑफ माय पैशन टू ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड लेकिन जो यूट्यूब है ये काइंड ऑफ स्टार्ट तो मैंने एज अ होबी किया था क्योंकि थोड़ा um, टाइम कोविड के दिनों में थोड़ा ज़्यादा होता था तो सोचा गया यार चलो कुछ ना कुछ तो करते हैं तो ब्लॉगिंग शुरू कर दी तो जहाँ मैं ट्रैवल करता था कोशिश करता था कुछ ना कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके तो अपनी थोड़ी मेमोरीज सेव करता रहूँ लेकिन अभी इंडिया गया हूँ तो वहाँ की भी वीडियोज मैंने कुछ बनाई एडिट की तो वो उससे

ऐजा पाकिस्तान नहीं गया यार हमें वीज़ा नहीं मिलता तो इसलिए मैंने अप्लाई कभी नहीं किया था लेकिन फाइनली जब किया तो मिल भी गया लेकिन उसकी एक वजह ये थी कि शायद मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे मुझे काफ़ी स्टोरीज इंडिया की पता चलती रहती थी क्योंकि वो इंडिया से थे तो थोड़ा सा ये भी जेन में था कि यार चलो जो हमारे इंवेस्टर्स जहाँ पे वो रहते रहे हैं वो जगह जाके कर देखें उसके अलावा थोड़ा सा क्योंकि हम सेम कल्चर शेयर करते हैं मेरे काफ़ी दोस्त भी इंडिया से हैं तो काफ़ी ज़्यादा मैं क्यूरियस था इस बारे में कि यार एक्चुअल जाके देखें लोगों से मिले उनसे जरा कम्युनिकेट करें तो ये थोड़ी सी जो क्योंकि मैं पाकिस्तान से जब थोड़ा बाहर आया हूँ ना तो थोड़ा सा वो लगता है कि जो चीज़ें आप पाकिस्तान में देखते हो और जो चीज़ें आप ऐसे मुल्क में देखते हो जहाँ आपके मल्टी कल्चरल ज़्यादा नेशनैलिटी के लोग एक जगह पर रहते हैं तो थोड़ा सा आपका माइंड सेट चेंज होता है तो थोड़ा सा था मैं क्यूरियस इस बारे में कि यार चलो इंडिया खुद जाए थोड़ी वहां की लाइफ एक्सपीरियंस करें थोड़ा लोगों से कम्युनिकेट करें

तो लेकिन यह है कि नॉर्मली कि मेरे पास ड्यूअल नेशनलिटी है नेदरलैंड की भी है तो मैंने नेदरलैंड की नेशनलिटी पे वीज़ा अप्लाई किया था नॉर्मली अगर नेदरलैंड की नेशनलिटी हो तो आपको दो चार दिन दो तीन दिन में ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है दो तीन दिन में आपको उसका मिल जाता है ऑनलाइन वीजा तो जब मैंने उसमें फॉर्म फिल किया उसमें पूछा कि पाकिस्तान से कोई तलक मतलब स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन है इंडिया के फॉर्म में वीज़ा फॉर्म में तो मैंने कहा बिल्कुल ऑफकोर्स मैं वहीं पैदा हु तो उसके बाद उन्होंने फिर एट एंड मुझे कहा कि नहीं भाई ऑनलाइन तुम तो कर ही नहीं सकते तुम तो अम्बैसी आओ तो फिर मैं अम्बैसी गया जाके उन्होंने फिर मेरा थोड़ा प्रोसीजर बताया थोड़ा बता देता हूँ कि उन्होंने फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स इंडिया भेजे उसको तकरीबन छः वीक्स लगे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से वैसे मुझे बताया गया था कि चार वीक्स में आ जाता है जवाब इंडिया से उन्होंने आपकी आई डी आइडेंटिटी वेरीफिकेशन करनी होती है कि कोई किसी किस्म का उनके सिस्टम में या कोई मसला तो नहीं आप स्पेसिफिकली तो वो छह वीक के बाद आया फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा पासपोर्ट जमा करवा दो तो फिर मुझे थोड़ी सी उम्मीद होगी उनको दो दिन लगते हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि वीजा मिल गया है अच्छा सनी इंडिया जाने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा क्योंकि इंडिया को लेकर हमारे मुल्क में हमारे

तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना और बाकी बहुत से दोस्त थे वैसे और अक्सर दोस्तों का मशवरा ये था कि जाके ना तुम लगते इंडियन ही हो मतलब तो जाके बताना ना पाकिस्तानी हो तो अपना घूम के वापस आ जाना अगर तुम्हें इतना शौक है इंडिया जाने का लेकिन डेफिनेटली मेरा अपना था कि यार पहली बात तो ये कि मुझे काफी शोर था कि कोई मसला ऐसा होता नहीं है क्योंकि इंडियंस के साथ मेरा काफी कॉन्टेक्ट था और दूसरा एक मुझे ये भी थोड़ा था कि यार चलो जब मसला होगा ना फिर देखेंगे वहां जाके छुप के अपना मतलब टूर करके वापस आओ तो वो भी इट्स नॉट फन नहीं है और जब तक तो आप लोगों को बताओगे नहीं तो आपको कुछ इस तरह का रिएक्शन आपको अंडरस्टैंडिंग कल्चर की उस तरह नहीं होगी तो इसलिए मैं तो जहाँ भी गया हूँ ओपनली मैंने सबको बताया जिससे मेरी बात हुई है कि भैया हम फ्रॉम पाकिस्तान और लोगों से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है तो जिस बंदे को भी बताया तो मेरे ख्याल से नेगेटिव तो एक भी नहीं कहूँगा पॉजिटिव ही थे सारे लोग बल्कि स्पेसिफिकली सेल्फीज ले रहे थे कि यार हम पहली दफा किसी पाकिस्तानी से मिले हैं तो मेमोरी के लिए चलो एक तस्वीर बना लेते हैं तो ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बहुत बहुत प्यार मिला इंडिया से तो बहुत अच्छा रहा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस सबसे अच्छी चीज इंडिया की क्या लगी आ, मेरे ख्याल से यही कहूंगा आ, लोगों से मिलना वो मुझे सबसे ज्यादा मतलब पर्पस भी मेरा यही था थोड़ा कल्चर एक्सप्लोर करना थोड़ा लोगों से आ, कम्युनिकेट करना लोकल लोगों से क्योंकि सोशल मीडिया पे ना अभी स्पेसिफिकली मेरे यूट्यूब पर भी मैं जो वीडियोस थोड़ी बहुत डाली हुई हैं उस पर जो कमेंट्स आते हैं ना बहुत नेगेटिव आते हैं तो ये एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ किया है मतलब अक्सर लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि यार क्यों हमारे मुल्क आए हो अपने मुल्क वापस जाओ और जो इस तरह का जो मतलब दोनों साइडों पर काइंड ऑफ सेम ही है कि पाकिस्तानीज भी इसी तरह की बातें करते हैं और इंडियंस भी लेकिन ये चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि जब आप किसी को पर्सनली मिलते हैं ना तो इट्स टोटली डिफरेंट न्यू सोशल मीडिया पर किसी को कुछ भी कह सकते हैं आपको क्या क्या जाता है आप मैसेज लिख के तो आप पोस्ट कर देते हो कॉमेंट्स अपने लेकिन ऐस आप किसी को पर्सनली मिलते हो ना तो मेरे ख्याल से वो जो फीलिंग है ना वो डिफरेंट है फिर लोग आपको ना एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं वो देखते हैं अच्छा हमारे सामने एक पाकिस्तानी खड़ा है तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि स्पेसिफिकली मैंने बल्कि आपको थोड़ा सा अगर टाइम है तो एक वाक्य भी बता देता हूँ कि मऋषि एक सिटी है उसमें ना हम राफ्टिंग कर रहे थे मतलब मैं एक पाकिस्तानी था और कुछ छह सात और दोस्त थे जो इंडिया से थे राफ्टिंग बोट में काइंड ऑफ रेस लगाई होती है बाकी बोट्स के साथ तो उधर हुटिंग कर रहे थे कि वो पाकिस्तानियों की शिप है जो आगे कश्ती जा रही है आतंकवादी मतलब इस तरह के ना होटिंग करते रहे तो मुझे वैसे थोड़ा ना अंदर से थोड़ा मैं क्यूरियस इंटरेस्ट था मुझे मजा आ रहा था सारी बात का तो जब हमने राफ्टिंग खत्म की है तो बाहर निकल के मैंने उनको बताया कि यार आप ना जरा तो होटिंग कर रहे थे पाकिस्तान के बारे में तो मैं एक पाकिस्तानी हूँ तो उसके बाद एक तो वो थोड़ा सा वो शर्मिंदगी आप उनके चेहरे पर महसूस कर लेते हैं कि हमने किसी को ना इस तरह डायरेक्टली कहा किसी को उसके बाद उनसे मेरी इतनी अच्छी दोस्ती हुई कि हम तकरीबन वो सारा दिन हमने ना जितने भी हम लोग थे हमने इकट्ठा ही ट्रैवल किया किट्ठा ही दिन स्पेंड किया खाना शाना सारा कुछ तो मकसद इस वाक्य का यही है कि सोशल मीडिया पे है ना जब आप तो आप किसी को कुछ भी कह लेते हो लेकिन जब आप किसी को पर्सनली मिलते हो ना तो आपको मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक बेशक वो आप इंडिया में हो एज अ पाकिस्तानी या मुझे शोर आया अगर कोई पा इंडियन पाकिस्तान भी आएगा ना उसको भी सेम एक्सपीरियंस होगा तो लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं ये सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया इस पर यह अपना इनकी फ़ाइट आपस में चलती रहती है तो मेरा ख्याल ये मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था कि लोगों से मिल के उनके जो रिएक्शंस के एक पाकिस्तान से मिलना उससे मुझे बहुत मज़ा आया वो मेरा बड़ा पॉजिटिव रहा वो रहा तो सनी कितने दिन का टूर था इंडिया में कहां कहां घूमे क्या क्या खाया पिया किस किस से मुलाकात हुई um, मेरा टूर टोटल था पच्चीस चौबीस पच्चीस दिन का टोटल अच्छा तो uh, मिलना तो स्पेसिफिकली यही मेंशन कर देता हूँ कि सैफ अली खान पहले दिन ही वो ट्रैवल कर रहा था सेम प्लेन में तो हा? उससे एक मुलाकात हुई उससे थोड़ी सी मेरी चिटचैट हल्की हुई जब हम बताया पाकिस्तान से हूँ तो खुश हुआ मिलके तो खाना थोड़ा सा कम अच्छा लगा क्योंकि हम काइंड ऑफ एंटी वेजिटेरियन तो मैं वेजिटेरियन खाता अच्छा। नहीं कम खाता हूँ तो वहां पे अक्सर आपको वेजिटेरियन लेकिन जो अच्छा खाना मिला मुझे दिल्ली में और मुंबई में उसका खाना मुझे बहुत पसंद आया कुछ ऐसी चीजें मिली कि जो मैंने पहले खाई नहीं हुई थी तो लखनऊ में भी मैंशन, मैंशन करूंगा वहां पर ना टुंडे कबाब स्पेसिफिकली मिलते हैं अच्छा बज अमेजिंग तो खाने मेरे लखनऊ दिल्ली और मुंबई के बहुत अच्छे रहे तो उसके अलावा जो जगह मैंने देखी उनमें एक जगह फॉर एग्ज़ाम्पल ऋषिकेश है जो वैसे तो हिंदुओं का गढ़ है वहाँ मुझे सीखने को काफ़ी कुछ मिला एक बड़ा डिफरेंट इन्वायरमेंट वहाँ पर सारा हिंदुज़म से रिलेटेड उसकी बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है बनारस जिसको हम बोलते हैं उस जगह का मुझे काफ़ी मजा आया क्योंकि वहाँ काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला उसके अलावा अमृतसर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि पंजाब ओवरऑल बड़ा अच्छा रहा मेरा पंजाब का टूअर क्योंकि तो मैं वहाँ भी गया हूँ जहाँ पे स्पेसिफिकली मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स जिस गांव से उनका तलक था वो तो भी डेफिनेटली एक अच्छा एक्सपीरियंस था चंडीगढ़ में होली सेलिब्रेट करने तो नहीं गया था लेकिन घर से बाहर गया हूँ ज़रा फिल्म करने के लिए तो लोगों ने जरा रंग शिंग पहन का वो भी बड़ा मजा आया उनका वो कल्चर देख के होली वाला तो मेरे ख्याल से जो मेन हाईलाइट्स मैंशन करने वाली हैं वो एक होली इवेंट उसका मुझे अच्छा लगा वाराणसी मुझे अच्छा लगा तो गोवा बड़ा खूबसूरत था वहाँ पे बीच लेकिन मौसम नहीं था गर्मी ज्यादा थी और ला लेट लास्ट

उस तरह हम थोड़ा सा मुश्किल है करें अभी मैं देखता हूँ पाकिस्तान में भी आईटी पे काम चल तो रहा है डेफिनेटली कुछ ना कुछ आते रहते हैं ये नया सिस्टम और ये वो लेकिन आईटी डेफिनेटली इंडिया थोड़ा एडवांस है थोड़ा नहीं काफी एडवांस है वर्ल्ड वाइड भी इंडिया इज नोन फॉर आईटी अगर आप गूगल से लेके माइक्रोसॉफ्ट जहाँ मर्जी देख लें आपको इंडियंस जो है ना वो आई में काफ़ी आगे हैं चाहे हुए हैं डेफिनेटली अगर आप स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो मैंने मुझे बहुत से सिटीज लोगों ने रिकोमेंड किए थे कि नोएडा सिटी है आईटी हब है इनका साइबर सिटी और काफी कुछ गुड़गांव बहुत अच्छा बिल्कुल लेकिन मेरा ना डेवलप्ड सिटीज में जाने का मकसद कम था मेरा कल्चर एक्सप्लोर ज्यादा मकसद था लेकिन मैंने इनका मेट्रो सिस्टम देखा दिल्ली का इट्स वेरी एडवांस मतलब यूके और जो यूके का अंडरग्राउंड लंदन का और दिल्ली का इसमें मुझे कोई फर्क नहीं मिला उसी तरह की सर्विस सारा कुछ उसके अलावा छोटी छोटी चीजें जो नोटिस की अपने ट्रेवल के दौरान डिजिटल आईडीज़ इनके वो मतलब आपको जेब में कोई आई कोई कार्ड रखने की जरूरत ही नहीं है इवन के क्रेडिट कार्ड या अपना डेबिट कार्ड भी नहीं लोग रखते क्योंकि इनके पास कुछ एप्स ऐसी हैं पेटीएम फॉर एग्जांपल वगैरह कोई यूपीआई यूपी भी होगा लेकिन पेटीएम से क्योंकि मेरा अपना वास्ता पड़ा रहा तो जो रेडी पे गोलगप्पे भी बेच रहा है ना उसने भी एक अपना लगाया हुआ है, बार जिनका मेरे ख्याल से जो वैसे है आपका आईडी आपके मोबाइल में आपका कार्ड सारे आप सारा कुछ आपके मोबाइल में ही है तो इस तरह की चीजें देखते हैं तो वो लगता है कि काफी आगे की सोच रहे हैं काफी आगे चल रहा है इंडिया तो मेंशन यहाँ पे करना स्पेसिफिकली मेरा ख्याल इसलिए जरूरी है कि छोटे छोटे आइडियाज हैं और इम्प्लीमेंट करना मेरे ख्याल से इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है सिर्फ थोड़ा अगर कोई भी कंपनी तो कि को आइडिया मिल जाए तो उस पर काम भी शुरू कर डेफिनेटली अगर आप डिफरेंस की बात कर रहे हैं इंडिया इज एडवास्ड अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके इंडिया के बारे में इंडिया जाने से पहले क्या ख्यालात थे जो इंडिया विजिट करने के बाद चेंज हो गए ज्यादा um, um, काम के लिए हॉलैंड या यूरोप या तो कुछ दिन इधर हमारी तरफ घर रह के भी जाते हैं मतलब फैमिली रिलेशन भी हैं तो मुझे कुछ ज्यादा नहीं था जिस तरह मोस्टली एक कॉन्सेप्ट बना हुआ ना कि यार नहीं मेरा तो एक पर्सेंट भी नहीं था तो थोड़ा सा ये था कि शायद अगर किसी को वहाँ में जाकर बताऊँ कि यार अच्छा मैं पाकिस्तानी हूँ तो उनका रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा डाउट था कि शायद लोग नापसंद करें शायद मतलब ये तो बरल नहीं था कि बदतमीजी करेंगे लेकिन वो शायद मेरे से थोड़ा सा अवॉइड करेंगे यार किधर पाकिस्तानी आ गया लेकिन वो बिल्कुल अपोजिट था लोगों ने बड़े प्यार से रिस्पेक्ट से बल्कि ऑफिशियल्स अगर किसी को मैंने जाके बताया किसी गार्ड को फॉर एग्जांपल रेड फोर्ट में मैंने बताया तो वो यहाँ तक भी पूछते कि यार चाय पीनी है पानी बोतल ये वो इस इस लेवल पे अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था तो ये थोड़ा सा जो मुझे डाउट था कि शायद लोग नापसंद करेंगे एक पाकिस्तानी को इंडिया में किसी जगह पर शायद लेकिन मेरा एक भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान में भी कोई इंडिया इंडियन जाएगा ना मैं अपनी अपनी माइंड सोच रहा सोचा जब मैं पाकिस्तान था

आपको नहीं लगता क्या वक्त आ गया है कि हम अपने लोगों की सोच बदले उन्हें दुश्मनी से नफरत तो से निकाल कर मोहब्बत और दोस्ती की तरफ लेकर आए जिसके लिए सबसे अहम काम ऑनलाइन तो हम ये बहुत सारा काम कर रहे हैं यहाँ के लोगों की राय वहां तक जाती है वहां के लोगों की राय यहाँ तक आती है बहुत सारे लोगों के ख्याल सोच जो है वो सोशल मीडिया ने तब्दील कर दिए हैं लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर बॉर्डर खुल जाए

वीजा अप्लाई करते हैं ना तो थोड़ा बहुत अपना वेरीफिकेशन थोड़ा देख सकते हैं बैकग्राउंड वगैरह कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं कुछ पुलिस फॉर एग्जांपल कलेरिफिकेशन मांग सकते हैं इस तरह की चीजें चाहिए दोनों मेरे ख्याल दोनों साइड्स पे थोड़ा सा ना चीजों को आसान करना थोड़े आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा तो बहुत फर्क पड़ता है अगर आप पर्सनली विजिट करते हैं तो आपकी जो सोच है लोगों से आपकी जो इंटरेक्शन है उससे बहुत कुछ आपको पता चलता है उसके अलावा हिस्ट्री का बहुत कुछ पता चलता है मतलब अभी मैं कुछ जगह ऐसी विजिट की हैं जहाँ से जो हमारी कंबाइंड हिस्ट्री हिस्ट्री में जब हिस्ट्री <coughs> में जब पहले पाकिस्तान से जो जो भी जंग वगैरह हुई जो भी कुछ भी हुआ वो सारे मुसलमान सारे हिंदू सारे एक ही चलता रहा तो उससे भी एक पॉजिटिव फीलिंग्स आपको आती हैं कि यार अगर सन्तालीस से पहले की बात करें तो देर इज़ नो डिफरेंस कि इंडिया और पाकिस्तान में कोई डिफरेंस नहीं था तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा तो शायद किसी लेवल पर जाके गवर्नमेंट को इस चीज़ की समझ भी आ जाए और इससे मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी यह है कि जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी एक दूसरे के लिए और दूसरा मेरे ख्याल से यह है कि शायद जो हमारा डिफेंस बजट और ये वो क्योंकि हेट इतनी ज़्यादा है कि थोड़ा सा फिर करना पड़ता है इनको बॉर्डर्स पर सख्ती और वो अपना बजट उधर लग रहा है देखिए ना आप हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर अपने मंदिर विजिट के लिए आना चाहते हैं पाकिस्तान की बहुत सारे जो हैं आप कह लें कि बहुत सारी बहुत सारी चीजें हिंदुस्तान में है जो वहां पर जाना चाहते हैं विजिट करना चाहते हैं बहुत सारे रिलेटिव यहाँ पर हिंदुस्तान के लोगों के रहते हैं पाकिस्तान के वहां पर रहते हैं अगर बॉर्डर में आसानियां पैदा हो जाए लोगों के लिए वीजा जो है वो आसान कर दिया जाए तो डेफिनेटली लोगों की भी मुश्किलें आसान हो जाएंगी और दूसरा जब पीपल टू पीपल कनेक्शन होगा लोग एक दूसरे के मुल्क में जाके एक दूसरे से मिलेंगे एक दूसरे एक दूसरे दूसरे का कल्चर एक्सप्लोर करेंगे के शहरों में में घूमेंगे आपस में घुलेंगे मिलेंगे तो डेफिनेटली ये चीजें ज्यादा अच्छी तरह असरअंदाज होंगी नफरतें बहुत जल्दी खत्म होंगी और मोहब्बतें परवान चढ़ेंगी नो no डाउट बिल्कुल इसमें कोई ऐसा दूसरी राय नहीं है जब आप पर्सनली विजिट करेंगे आप बहुत कुछ सीखेंगे बहुत कुछ आप जानेंगे अभी तो हम सिर्फ वो देख सकते हैं ना जो हमें मीडिया दिखाएगा दिखाया जाता है और मीडिया तो आप पाकिस्तान को तो चले छोड़ दें आप इंटरनेशनल मीडिया की बात कर लेना यूरोप की बात कर मैं वो सारा कंट्रोल मीडिया है किसी हद तक हर मीडिया ही तकरीबन कंट्रोल है कुछ चीजें वो नहीं मेंशन करते मतलब अगर अभी कई वार चल रही है मुस्लिम मुल्क में तो यूरोप का मीडिया नहीं दिखाता यहाँ पे अगर एक बंदा कहीं भी किसी को बचाने का कुछ हो जाए तो उसका वो दस दिन चलता रहता है तो इट्स कंट्रोल मीडिया तो डेफिनेटली अगर आप पर्सनली विजिट करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अभी तो हम सिर्फ मीडिया पे डिपेंड कर रहे हैं ना हम्म सनी एंड पे वो लोग जो आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे इंडिया से पाकिस्तान से और जिन जिन मुमालिक से लोग आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे <laughs> मेरे ख्याल से सबसे जरूरी वो आप 25 दिन इंडिया में गुजारने के बाद मेरा जो कंक्लूजन तो वो यही है कि एक तो वैसे हेट जो सोशल मीडिया पर नज़र भी आती है ना इसका नेगेटिव इफेक्ट कि वो फैलती जाती है तो सोशल मीडिया पर थोड़ा लोगों को कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि अगर आपके वाकई दिल में हेट हो ना तो मुझे पच्चीस दिन में एक बंदा तो मिलता ना कि जो मुझसे सही तरह ना बात करता या नफ़रत दिखाता पच्चीस तो दिन में एक बंदा भी नहीं मिला ना ऐसा विच में इसके दिलों में एक्चुअल वो नफरत नहीं है ये सारी नफ़रत है ना ये मीडिया ने आपके दिमाग में भरी हुई है तो अगर सोशल मीडिया पे भी लोग के ज़रा तरीके से बात करें ना जरा प्यार से बात करें तो मेरे ख्याल से उससे ही ऑलरेडी काफ़ी काफ़ी फर्क पड़ सकता है तो इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल सोचने की जरूरत है कि थोड़ा सा जो आप मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो ना उसको थोड़ा सा सोच समझ के बात करो थोड़ा नफरत अपनी थोड़ी दिमाग को थोड़ा ओपन करो नफरत ना किसी के लिए दिखाओ तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी वी कैन गो टूअर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन तो यही है मेरा मेरे ख्याल से कंक्लूजन पूरे टूर का So much, करने के लिए किया। इंडिया के हवाले से उम्मीद है बहुत सारे लोगों की सोच बहुत सारे लोगों के ख्याल आपके इस इंटरव्यू को देखने के बाद तब्दील हुए होंगे मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि लाइफ में कभी एक बार इंडिया विजिट करू इंडिया के लोगों को जाकर जानने की कोशिश करूँ इंडिया विजिट करू इंडिया एक्सप्लोर करूँ और जिस तरह मैं यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम की राय लेती हूँ इंडिया के बारे में इंडिया में जाकर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं क्या राय रखते हैं अल्लाह करे जिंदगी में कभी मौका मिले कि एक बार इंडिया जरूर जाना हो थैंक यू सो मच वंस अगेन सनी आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी कीमती राय का इजहार किया yeah,